नैनूपट्टी के गांव डोमपुरा में समाज सेवियों ने बांटा फ्री राशन। सौंग क्षेत्र के नैनूपट्टी गांव नगला डोमपुरा में समाज सेवी युवकों द्वारा चलाई जा रही एक अनोखी पहल। मथुरा के सौंग क्षेत्र के गांव नैनूपट्टी के नगला डोमपुरा के ही रहने वाले युवा समाज सेवी राजेश कुमार, रवि कुमार और खजान सिंह ने गांव में एक अनोखी पहल शुरू की है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई अपील से प्रेरित होकर शुरू की है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सामर्थ्यवान लोग गरीब और असहाय को कोरोना जैसी देशव्यापी महामारी के समय में समाज से भी आगे आएं और जैसे भी संभव हो मदद करें। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए इन समाज सेवी युवकों ने अपने ही गाँव से गरीब और असहायों को 21 दिन का राशन निःशुल्क करके उनके घर जा जाकर वितरण किया और साथ ही इन युवकों ने क्षेत्र और प्रदेश और देश स्तर पर सभी से अपील की है कि आप सभी आगे आएं और जिसका जितना सहयोग कर सकते हैं मदद करें, क्योंकि आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। हम एक दूसरे की सहायता कर मानव सेवा और देश सेवा दोनों कर सकते हैं। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर तमाम समाज सेवी संस्थाएं और धनाढ़ लोग मोदी की इस मुहिम से जुट गए हैं और गरीब तथा असहाय लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते गरीब लोगों के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई सार्थक पहल की जा रही है। इसी के तहत डोमपुरा के इन नव युवकों की अनूठी पहल सराहनीय और सार्थक कदम कहा जा सकता है। नाम राजेश कुमार, कहाँ से हैं आप? गांव डोमपुरा, गोवर्धन मथुरा से। अच्छा, तो आज आपने ये मुहिम शुरू करी है, गरीबों को असहायों को राशन बांट रहे हैं, तो इससे आपका क्या उद्देश्य है और आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य है, एक तो गरीब लोगों के पास पैसा पैसे के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, कहीं काम पे नहीं जा रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी आ रही है। इसके अलावा मार्केट में जो भीड़ होगी, जो एक आदमी करेगा 10 परिवारों की मदद करेगा, तो एक ही आदमी सब्जी लेने जाएगा। उस उद्देश्य से हम प्रधानमंत्री की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मेरा नाम रवि फौजदार है। कहाँ से हैं आप, किस तरह से सेवा कर रहे हैं? जी, मैं गांव डोमपुरा का रहने वाला हूँ। जैसा कि कल सभी से प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि आप अगर सामर्थ्यवान है तो कम से कम 9 लोगों की मदद कीजिए, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने गांव में हमने 9 गरीब असहाय परिवारों के लिए 21 दिन का राशन दिया है और उम्मीद करते हैं कि हम जैसे युवा साथी जो सामर्थ्यवान है वो प्रधानमंत्री जी की इस अपील को आगे बढ़ाएं।